वर्ष 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दिए जाने के बाद महज 40 साल की उम्र में राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया तो विरोधी दल के नेता उन्हें आसमान से टपकाया गया प्रधानमंत्री कहा करते थे, लेकिन उन्होंने अपने आलोचकों को नजरअंदाज करते हुए भारत के विकास के कई दूरदर्शी कदम उठाए। दूरदृष्टि का परिचय देते हुए राजीव गांधी ने भारत में न केवल कंप्यूटर क्रांति की शुरुआत की बल्कि आज के इंडिया को डिजिटल बनाने के लिए दूरसंचार क्रांति लाने में अहम भूमिका निभाई। तो दोस्तों आइए जानते हैं भारत के विकास के लिए उन 5 महत्वपूर्ण मील के पत्थरों के बारे में जिसकी शुरुआत राजीव गांधी ने की थी नॉलेज फैक्ट 109 यूट्यूब चैनल पर। अगर हम भारत में कंप्यूटर क्रांति के बारे में बात करते हो और भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत की चर्चा न करें तो यह बेमानी हो जाएगी। बता दें कि भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत वर्ष 1952 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में हुई। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 1952 में कोलकाता स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी कि ISI द्वारा कंप्यूटर युग की शुरुआत की गई थी, जहां 1956 में शुरू किया गया भारत का पहला डिजिटल कंप्यूटर। ISI कोलकाता द्वारा वर्ष 1956 में भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर यानी HEC-2M की स्थापना की गई। आश्चर्य की बात यह है कि ISI कोलकाता द्वारा स्थापित डिजिटल कंप्यूटर HEC-2M भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर होने के नाते ही खास नहीं था, बल्कि यह इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके स्थापना के साथ ही भारत जापान के बाद एशिया का दूसरा देश बन गया था जिसने कंप्यूटर तकनीक को अपनाया। वहीं यह बात अलग है कि भारत में वर्ष 1956 में ही कंप्यूटर युग की शुरुआत हो गई थी, लेकिन वर्ष 1960 तक देश में डिजिटल कंप्यूटर को कोई खास महत्व नहीं दिया गया। उस वक्त सिर्फ IBM और ब्रिटिश टैब्यूलेटिंग मशीन, ये दोनों कंपनियां ही भारत में मैकेनिकल अकाउंटिंग मशीन बेचा करती थी। वर्ष 1984 में राजीव गांधी ने जब भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यभार संभाला तो उन्होंने देश को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए कंप्यूटर क्रांति की शुरुआत की। उनकी इस क्रांति का शुभ परिणाम यह निकला कि भारत के लोग न केवल इस नई तकनीक से परिचित हुए बल्कि कंप्यूटर लोगों के घरों और दफ्तरों तक पहुँच गया। वहीं जहाँ कंप्यूटर को कैलकुलेशन तेजी से करने के लिए तैयार किया गया था, हालांकि पर्सनल कंप्यूटर को सबसे पहले IBM ने साल 1975 में तैयार किया था। ये पहले से बनाए जा रहे कंप्यूटर से काफी सस्ता और हल्का हुआ करता था। भारत का पहला कंप्यूटर, देश का पहला कंप्यूटर TIFRAC यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था। इसका नाम देश के प्रभावशाली और पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। वहीं इसको साल 1956 में काम के लिए उपयोग में लाया गया। इसके बाद साल 1966 में देश का पहला सॉलिड स्टेट डिजिटल कंप्यूटर यानी ISI-JU-1 को डेवलप किया गया और इसी भारतीय सांख्यिकी संस्थान और कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी की साझेदारी से तैयार किया गया था। इसमें खास बात थी कि इसमें ट्रांजिस्टर का भी उपयोग किया गया था। वहीं भारत में राजीव गांधी को कंप्यूटर क्रांति का जनक कहा जाता है। उन्होंने कंप्यूटर को हर घर पहुंचाने की कोशिश की, जहां राजीव गांधी के वक्त ही नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर की स्थापना भी हुई थी। MTNL और VSNL की शुरुआत भी इसके कार्यकाल के दौरान हुई थी। हर घर कंप्यूटर पहुंचाने के लिए राजीव गांधी ने कंप्यूटर से सरकार का कंट्रोल हटा दिया। इसके बाद पूरी तरह से असेंबल किए गए कंप्यूटर का इंपोर्ट देश में शुरू हो गया। ये एक बड़ा कारण बना जिससे कंप्यूटर का दाम होने लगा। राजीव गांधी की ओर से कंप्यूटर क्रांति की शुरुआत करने के बाद वर्ष 1991 में भूमंडलीकरण के दौर में सरकार की मदद से निजी क्षेत्र की कंपनियां ने सॉफ्टवेयर बनाना शुरू किया और इसमें काफी प्रगति हुई, जहां 1998 में भारत सरकार ने सूचना तकनीक को भारत का भविष्य घोषित कर दिया और साल 1991 में दूसरे देशों में कंप्यूटर निर्यात करने पर लगाए जाने वाले शुल्क को हटा दिया गया।
कई सॉफ्टवेयर कंपनियों को निर्यात से हुए फायदे पर 10 साल तक के लिए टैक्स से राहत दी गई। अब देश में 100% इक्विटी के साथ बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आने की इजाजत मिल गई। राजीव गांधी को न केवल भारत की सूचना प्रौद्योगिक और दूरसंचार क्रांति का जनक कहा जाता है, बल्कि उन्हें डिजिटल इंडिया के वास्तुकार के रूप में भी जाना जाता है। यह उनके शासन के तहत था कि अत्याधुनिक दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकसित करने और भारतीय दूरसंचार नेटवर्क की जरूरतों को पूरा करने के लिए अगस्त 1984 में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स यानी कि सी डॉट की स्थापना की गई। सी डॉट ने भारत के कस्बों और यहाँ तक कि गांवों में संचार नेटवर्क में क्रांति ला दी। राजीव गांधी के प्रयासों के कारण पीसीओ क्रांति हुई। पीसीओ बूथ ने ग्रामीण क्षेत्रों को भी बाहर की दुनिया से जोड़ा। जहाँ वर्ष 1986 में ATMNL यानी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की स्थापना हुई, जिसने टेलीफोन नेटवर्क के प्रसार में मदद की। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सलाहकार सैम पित्रोदा की मदद से दूर संचार, पानी, साक्षरता, टीकाकरण, डेयरी और तिलहन से संबंधित 6 प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित किए गए। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें।